अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद सैलुल आब्दीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के छोटा सी वीडियो में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ टू सेव वैल्यूज इन साइंटिफिक कैलकुलेटर। दोस्तों, अगर आप किसी भी वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर में सेव करना चाहते हैं तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आपने जिस वैल्यू को सेव करना है उस वैल्यू को प्रेस करें। जैसा कि इस वक्त मैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू लिख रहा हूँ, देन आपने शिफ्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद RCL के बटन पर क्लिक करें और आपको जिस वेरिएबल में इन वैल्यूज को सेव करना है उसे प्रेस कर दें। नाउ जब आप अल्फा प्रेस करके उस वेरिएबल को क्लिक करेंगे तो आपकी सेव की गई वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। यूज ऑफ ब्रैकेट। दोस्तों, हमें बहुत सी ऐसी वैल्यूज गिवन होती है जिसे हम अपने कैलकुलेटर में सही तरह पुट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा होता है। जैसे कि हमारे पास अगर ये वैल्यू गिवन है और अगर मैं इस वैल्यू को कुछ इस तरह पुट करूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा। लेकिन आपको बता दूँ कि इस वैल्यू को पुट करने का सही तरीका ये है। दोस्तों, आपने इस वैल्यू को कुछ इस तरह पुट करना है, इससे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। दोस्तों, कई दफा आपको वैल्यूज कुछ इस तरह गिवन होती है जिन्हें आप अपने कैलकुलेटर में सही तरह पुट नहीं कर पाते। तो आपको बता दूं, इन वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करने का दो तरीका है। जैसे कि आपके पास वैल्यूज गिवन है तो आपने डिजिट प्रेस करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके लॉक पे क्लिक करें, देन जो पावर आपको गिवन है वो लिख के इज इक्वल टू प्रेस कर दें, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इसका एक और आसान तरीका ये भी है कि इसे कुछ इस तरह भी पुट किया जा सकता है जिसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह ये प्रेस करना होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों मेथड से आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अपने सर्टिफिकेशन के लिए इन दोनों मेथड से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं।